हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेल एकेडमी। मेरा नाम है अब्दुल और इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्लेक्स के बारे में। नाउ लास्ट वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया था, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन हमने डिस्कस कर लिए, प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन डिस्कस कर लिया था और नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट फ्लेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ फ्लेक्स होते क्या है? फ्लेक्स डिसाइड करते हैं कि प्रोसेसर का स्टेट क्या है, करंट प्रोसेसर का स्टेट क्या है, वो डिसाइड करते हैं। जैसे कि ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों के लिए, बिकॉज ये सर्किट जितना हार्ड आपको अपने कॉलेज के सिलेबस में हार्ड लगता है, लेकिन मैं आपको इतना इजी वे में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको इसको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। सो नाउ सबसे पहले तो देख लेते हैं कि हम नॉर्मली अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास ALU है जो 8 बिट का है और हम दो इनपुट मांगते हैं, जैसे कि इनपुट ए और बी। अब दोनों इनपुट 8-8 बिट्स के हैं, मतलब कि हमारा जो आउटपुट है F वो भी 8 बिट का होने वाला है, जैसे कि यहाँ पे भी हम 8 बिट का ही आउटपुट मिलने वाला है। अब ये जो आउटपुट मिलता है ना, उस पे से हम डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या प्रोसीजर होगी, कौन सा फ्लैग हमारा सेट होगा। हमारे पास चार फ्लैग है, ओवरफ्लो, जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग एंड कैरी फ्लैग। सो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखा दूँ इसका, आउटपुट किस तरह से आएगा। जैसे कि यहाँ पे होगा क्या कि हमारा जो इनपुट ए और बी है उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, एंड और एक्सोर कोई भी। तो यहाँ पे इनपुट ए हमारा कुछ इस तरह से A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6 एंड A7। ओके, ये हमारा इनपुट है, इनपुट का फर्स्ट यानी कि ए का। देन B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7। अब ये दोनों के बीच में कुछ भी ऑपरेशन हो सकता है, 8 बिट्स है। इसका आउटपुट हमें हम बोलते हैं F। तो F कैसे होगा? F भी कुछ इस तरह से होगा, F0, F1, F2, F3, F4, F5, F6 एंड F7। नाउ F0 से F7 यानी कि 8 बिट्स का हमारा आउटपुट होगा, तो यहां पे हम इस तरह से लिख देते F0 से F7। अब ये जो आउटपुट है ना, इसको अलग अलग तरह से कनेक्ट किया गया है यहाँ पे। अब सबसे पहले यहाँ पे आता है C7। वॉट इज C7 एंड C8? नाउ जनरली हम जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो कैरी जनरेट होती है। सो यहाँ पे भी कैरी जनरेट होती होगी। तो सपोज मान लो कि यहाँ पे हम कैरी शुरू करते हैं C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 एंड C8। ओके, अब कैरी इस तरह से जनरेट हो रही है, तो इस पे से हमें क्या करना है सिंपल वे में। अब C7 क्या है? C7 ये कैरी है, मतलब यहाँ से जनरेट हो रही है, और C8 क्या है? ये कैरी है जो यहाँ से जनरेट हो रही है। सो अब C7 एंड C8 पे से हम डिसाइड करेंगे कि ओवरफ्लो है या नहीं। ओवरफ्लो का मतलब क्या होता है? सो ये मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, लेकिन अभी ऊपर से ओवरव्यू दे देता हूँ। ओवरफ्लो का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमारा 8 बिट का अगर इनपुट है, 8 बिट का आउटपुट है, अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो नॉर्मली 8 बिट को अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 2 पावर 8 और 2 पावर 8 माइनस 1, मतलब कि यहाँ पे मतलब रेंज होती है ना कौन से नंबर से कौन से नंबर तक, तो यहाँ पे -128 से लेके 127 तक। ओके, -128 से 127 ये रेंज है, ये माइनस नहीं है। सो ये दोनों के बीच में ही नंबर होना चाहिए। अगर इन दोनों के अलावा नंबर आता है, मतलब इस ये रेंज के बाहर नंबर जाता है, तो ये जो फ्लैग होगा वो 1 सेट हो जाएगा। ये 1 बिट के फ्लैग है, मतलब या इसका आउटपुट या तो 0 होगा या 1 होगा। तो जैसे ही अगर ये रेंज के बाहर का नंबर आता है 8 बिट में, तो ये फ्लैग 1 सेट हो जाएगा, मतलब हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे ओवरफ्लो है। नाउ बात करते हैं जीरो फ्लैग की। तो जीरो फ्लैग क्या डिटरमाइन करता है? हमारा आउटपुट जो है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो आउटपुट है वो जीरो फ्लैग में जा रहा है। तो जीरो फ्लैग में ये पूरा आउटपुट को चेक किया जाएगा कि अगर हमारे सारे बिट्स जो है वो जीरो है, तो जीरो फ्लैग क्या हो जाएगा? 1 सेट हो जाएगा। सारे बिट्स जीरो है तो हमारा जीरो फ्लैग 1 सेट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हमारा आउटपुट जीरो है। अगर जीरो फ्लैग हमारा जो है वो जीरो सेट होता है, दैट मीन्स हमें आउटपुट में कुछ मिल रहा है। नेक्स्ट कम्स साइन बिट। तो साइन बिट क्या चेक कर, साइन बिट कौन सा चेक करता है? ये F7 को चेक करता है। अगर साइन नंबर को यूज करते हैं, तो अगर साइन बिट हमारा 1 है
इसका मतलब हमारा नंबर जो है वो नेगेटिव है। अगर साइन बिट जो है वो जीरो है, दैट मींस नंबर हमारा पॉजिटिव है। नेक्स्ट इज कैरी। तो अभी कैरी में कौन सा आता है? सी एट, मतलब हमारा फाइनल। तो कैरी यहां पे है या नहीं वो कौन डिसाइड करता है? सी एट। सी एट अगर वन है तो हमारे जो आउटपुट में कैरी जनरेट हो रही है, अगर सी एट जीरो है तो हमारे आउटपुट में कैरी जनरेट नहीं हो रही है। सो ये पूरा स्ट्रक्चर है। ओवरफ्लो नॉर्मली ऐसे भी कैलकुलेट किया जा सकता है और सी सेवन सी एट का एक्सऑर भी करके भी किया जा सकता है। सारे फ्लैग्स मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें वन बाय वन सारे फ्लैग्स आपको मैं समझाऊंगा कि कौन सा फ्लैग कहाँ यूज होता है, एग्जांपल भी डिस्कस करने वाला हूं ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ये इसमें से कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि पूरा समझ नहीं आएगा, आपको कोई पार्ट पूछा जाएगा तो आपको अगर कंसेप्ट याद होगा तो आप आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे वो क्वेश्चन को। सो नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाला हूं सारे फ्लैग्स को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करूंगा। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने वेल अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले। डेली मैं ऐसे वीडियोस अपलोड करता हूं, लेक्चर्स भी अपलोड करता हूं, साथ साथ में आपको कुछ मोटिवेशनल वीडियोस भी मिल जाते हैं, जैसे कि इंटरव्यू टिप्स वगैरह, केस स्टडीज मैं अपलोड करता रहता हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय एंड टेक केयर।